आपने यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपका जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है कि जो आपने जो इतने डिले जो आ रहा है उसमें क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और अगर आपका इतना डिले हो गया है तो उस केस में आपको उसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल कॉरिन यूके। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमने क्या है कि एप्लीकेशन लगा दी यूके वीज़ा के लिए, बट उसके बाद में क्या और हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, मतलब उनको कुछ भी ईमेल में कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मतलब इतना डिले क्यों आ रहा है। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है बट उसके बाद में वो भूल जाते हैं कि मतलब उनको काफ़ी टाइम हो गया तो उसके उनका कोई डिसीजन नहीं आया अभी तक, और उनको कोई ईमेल भी नहीं आई। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को ये ईमेल आ रही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उसका क्या मतलब है, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रीज़न तो ये हो सकता है कि रश, मतलब इस टाइम पे एम्बेसी के पास में इतना सारा एप्लीकेशंस होती हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। तो अभी इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जनवरी इनटेक या कोई भी इनटेक आने वाला होता है तो एप्लीकेशंस भर भर के लोग डाल देते हैं, तो इनको इसलिए इतना डिले होता है। हर एप्लीकेशन को भी अगर कितना भी टाइम देंगे तो इनके पास में बहुत सारी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो डिले तो लाजमी है। जैसे कई स्टूडेंट्स ने नवम्बर में अप्लाई किया है बट अभी तक उनका डिसीजन नहीं आया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बैकलॉग में चल रही हैं एप्लीकेशंस। उसके अलावा एम्बेसी को होता है कि जब भी कोई इनटेक आता है, जैसे जनवरी इनटेक या फिर कोई सितंबर इनटेक आ गया, तो एम्बेसी को होता है कि जो प्रायोरिटी में जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस हैं उनको पहले से वो प्रोसेस करें, मतलब उनको पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और बाद में जो एप्लीकेंट्स हैं जैसे डिपेंडेंट्स हो के तो उनको बाद में वो हैंडल करें एप्लीकेशंस को, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्लासेस टाइम से शुरू कर सकें और कोई बैकलॉग ना रहे। सो सितंबर इनटेक में भी इनके पास में बहुत सारा लोड था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा जो है उनको प्रोसेस कर दिया, और जो डिपेंडेंट उनके साथ में थे उनको होल्ड पे रखा कि पहले जो प्रायोरिटी पे स्टूडेंट्स को इन्होंने एप्लीकेशन डिसीजन दे दी। सो डिपेंडेंट्स का जो है वो बाद में केस बाय केस वो अप्रूवल या डिसीजन दे देते हैं। सो एक रीज़न ये भी था कि जो डिपेंडेंट स्टूडेंट्स के साथ में आने वाले हैं जनवरी से, तो उनका जो एलिजिबिलिटी है वो कम हो गई है, इसलिए स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जनवरी से पहले ही बहुत सारी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, तो उस वजह से भी इनके ऊपर बहुत सारा लोड बढ़ गया एम्बेसी का कि इतनी सारी एप्लीकेशंस भर भर आ गए, क्योंकि जनवरी से डिपेंडेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को साथ में नहीं ला सकते, उसके पीछे भी कुछ सर्टन क्राइटेरिया है, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही लेके आ सकते हैं। सो उस वजह से क्या हुआ कि एम्बेसी ने क्या किया, प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स को वीज़ा दे दिया बट उनके जो साथ में डिपेंडेंट थे उनको रोक लिया। सो उस रीज़न से भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो एक और रीज़न जो है जिसकी वजह से एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं वो ये है कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड अप्रैल से जो इन्होंने बढ़ा दिया है, जो 38,700 कर दिया है, उस रीज़न से भी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वर्क रिलेटेड एप्लीकेशन। सो विद इन यूके वो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। सो विद इन यूके बहुत सारे लोग भर भर के वर्क रिलेटेड जो वीज़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ में, तो उस रीज़न से भी इनके ऊपर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एम्बेसी के ऊपर। सो गाइस, इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है डिले का कि आपकी जो एम्बेसी इंटरव्यू होना आपका पेंडिंग है, बट जो एम्बेसी इंटरव्यू है उसके स्लॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब उनकी टाइमलाइन, उनका जो उनके पास में टाइमिंग्स की कमी होती है, तो जब उनके पास में स्लॉट अवेलेबल होगा तभी आपको ईमेल आएगी। अगर आपने हो सकता है कि 1 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की है तो 1 महीने तक आपका कुछ भी ईमेल नहीं आया, कुछ भी डिसीजन नहीं आया, तो उस केस में हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पेंडिंग हो, और जब उनके पास स्लॉट अवेलेबल होगा तभी वो आपको ईमेल करेंगे कि आपका इस टाइम पे इंटरव्यू है तो आपको वो अटेंड करना है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिले का। सो गाइस, इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो डिले हो रही है। सो उसमें से कुछ हो सकता है कि जैसे अगर आपने एप्लीकेंट के अपने डिपेंडेंट के साथ में एप्लीकेशन लगाई है, तो हो सकता है कि आपके डिपेंडेंट्स की कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसमैच हो या कुछ मिसिंग हो डॉक्यूमेंट्स, या इसके अलावा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके डिपेंडेंट का इंटरव्यू पेंडिंग हो, अगर वो आपके साथ में ट्रैवल नहीं करे, आपके बाद में अप्लाई किया है,
तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशंस जो है वो डिले हो रही हैं। गाइस इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में डिले हो रहा है तो आपको क्या करना है उस केस में, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़रूरी बात, कि जब आपको लगे कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिसीजन जो है वो आने में देर हो गई है और आपकी जो क्लास स्टार्ट होने में, कोर्स स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो यूनिवर्सिटी है, अगर तो आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो आपने जिस दिन अप्लाई किया था तो UKVI की तरफ से आपको एक ईमेल आती है कि आपने इस दिन एप्लीकेशन सबमिट की है, तो वो जो ईमेल है आप वो शेयर कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में, अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड करके। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी को एज अ प्रूफ वो ईमेल दे सकते हैं कि आपने इस दिन अप्लाई किया था बट अभी आपका डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा डिले की वजह से, तो उसमें आपकी कोई मतलब फॉल्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी होती है उनको एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये बंदा जो है वो अभी इनका डिसीजन नहीं आया इसलिए इनको डिले हो रहा है। और सेम केस जो है अगर आपने वर्क वीज़ा पे अप्लाई किया है तो आप अपने जो स्पॉन्सर है उनको ये ईमेल शेयर कर सकते हैं आपके रेफरेंस नंबर को हाइड करके। आपको डेट मेंशन करनी है कि इस डेट को आपने अप्लाई किया था बट इतना टाइम इसको जा रहा है, तो इस वजह से आप लेट हो जाएंगे। ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। सो गाइस यही था आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको डिले की रीजंस पता चल जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।